दोस्तों, जो आज RRCIT का एग्जाम हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को, तो उसकी फाइनली आंसर शीट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बी सीरीज के अलावा अगर और दूसरी बुकलेट आपके पास में है, यानी कि ए बुकलेट है या फिर सी या डी, तो आप अपने पास उस बुकलेट को ओपन कीजिए, क्योंकि हम आपको इस बुकलेट में से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को हम बोल के बताएंगे भी कौन से क्वेश्चन का कितने नंबर आंसर सही है। तो आप अपने पास में अपने बुकलेट्स को ओपन कीजिए और उसके साथ अपना टिक मार्क जरूर कीजिए। अगर आपके पास बी सीरीज की बुकलेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज ही हमारे साथ इसको मिलान करते जाइए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर से क्या समझते हैं, वेब ब्राउजर से क्या समझते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होएगा, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एक नंबर क्वेश्चन का, बी सीरीज के एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, तो सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन होता है, तो दो नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं राइट के और के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि जहां पर आपका कर्सर है उसके राइट साइड के अक्षर को अगर आप डिलीट करना हो तो आप किसको करोगे, डिलीट ऑप्शन से, यानी कि तीन नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार है, जो नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो पैटर्न लॉक भी लगा सकते हैं, पिन भी लगा सकते हैं, हम पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन चार नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर पांच भी, एक उस डिस्क पर नामित स्थान यानी कि नेम लोकेशन जहां फाइल को संग्रहित किया जाता है, तो सही आंसर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फोल्डर, पांच नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर छह भी, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रैम हो जाएगा, यानी कि रैम एक मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विंडोज XP, तो सात नंबर का ए ऑप्शन सही है बी सीरीज का। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, डायनेमिक रैम होती है जो कई बार रिफ्रेश होती है, तो क्वेश्चन नंबर आठ का बी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, तो प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है, तो नौ नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, नेटवर्क के प्रकार हैं, तो लोकल नेटवर्क एरिया भी होता है, उसके बाद में मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क भी होता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है, तो यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को चलाता है और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच से रूप में कार्य करता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते, तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो सभी को पता है सुपर कंप्यूटर, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है। तो इस तरीके से जो 13 नंबर क्वेश्चन है भी, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है, ई मित्र के द्वारा भी कर सकता है, SSOID के थ्रू भी कर सकता है, यानी कि सिंगल साइन ऑन ID के द्वारा, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जा भी कर सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करी जा सकती है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है, तो सही आंसर इसका राजस्थान, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भी, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है, तो
बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो 12 अंकों का आधार नंबर होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मोबाइल वैलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वैलेट का तो क्रेडिट कार्ड होता है जो मोबाइल वैलेट का उदाहरण नहीं है। तो यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर वन टाइम पासवर्ड, यानी कि 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ है, यानी कि पीएसके का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर इसका पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो UIDAI ने किया हुआ है। तो यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं, यानी कि कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स ओएस है जो, वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड भी है, आईओएस भी है और विंडोज भी है। तो क्वेश्चन नंबर 22, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? तो इसका सही आंसर B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ, तो पीडीएफ का पूरा नाम अगर हिंदी में बात करें तो पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। तो यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो सभी को पता है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज की जाती है, तो यानी कि ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल में BCC विकल्प का क्या मतलब होता है? यानी कि BCC, तो सही आंसर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि 25 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो VGA की जो पिन आती है वो 14 पिन की भी आती है और 15 पिन की भी आती है। तो हो सकता है इसका आपको एक बोनस नंबर दे दीजिए, क्योंकि दो पिन आती है, 14 मतलब पॉइंट्स की पिन भी आती है और एक 15 पिन की भी आती है। तो ये हो सकता है आपके लिए बोनस अंक मिल सकता है, क्योंकि अगर इसके अंदर 15 ना दिया होता तो 14 आता, या 14 नंबर ऑप्शन नहीं दिया होता तो इसमें 15 हम लिख सकते थे। तो 14 पिन की भी होती है और 15 नंबर की भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में और चौड़ाई में पेज को अगर हम किस कहां पे चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके। तो यानी कि 27 नंबर का जो प्रश्न है बी सीरीज का, उसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 28, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल कमांड, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है पेस्ट स्पेशल के अंदर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले की परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। तो यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करते हैं? तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का। तो यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो JPG फॉर्मेट को भी ऐड किया जा सकता है, .GIF को भी किया जा सकता है, .WAV को भी किया जा सकता है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पे डिस्प्ले के लिए स्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि 31 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32,
भी प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए आप क्या उपयोग करोगे? तो सही आंसर इसका स्लाइड लेआउट विकल्प, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है भी इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो वायरस भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है, लेकिन ई कॉमर्स खतरा नहीं है वायर साइबर का। तो इसको सी ऑप्शन, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडो रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित पिछली बार के समय में वायरस रिवर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो सही आंसर इसका सिस्टम रिस्टोर। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 अंतिम क्वेश्चन, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो सही आंसर इसका रह जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। तो यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के जो 3 अक्टूबर RCET का एग्जाम होता उसकी आंसर की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।